अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट पुष्पा शकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आज 6 तारीख है, जो कि बड़ी अहम तारीख थी और आप लोगों को बहुत इंतज़ार था एक अच्छी न्यूज़ का, और वो आज हम आपको बड़े ही जोश और खरोश से और ढोल धमाकों से वो न्यूज़ आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। दुआ ज़ारा जो है, ज़ारा कासमी यानी कि मेहंदी अली कासमी की बेटी, वो जो है वो अपने घर जाने के लिए तैयार है। और सबको मुबारक हो कि ज़ारा कासमी ने अपने वालदैन के हक में बयान दिया है कि मुझे अपने वालदैन के साथ जाना है। और आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे ढोल वाले हैं, और हमने आपको कहा था कि ज़ारा कासमी जब अपने घर जाएगी अपने वालदैन के साथ, तो हम उसको ढोल धमाकों के साथ जो है वो हम उसको वहाँ से रुखसत करेंगे और आपको न्यूज़ देंगे। तो ये आप नाज़रीन देख सकते हैं कि आज बड़ा खुशी का मौका है, और मैं सबसे पहले सबको मुबारकबाद देती हूँ और बजाएं जी। लाहौर से, और ये हमारे लाहौर से एक भाई थे ढोल वाले, जिन्होंने इन्होंने भी खुशी का इजहार किया है, और हम सब ने भी खुशी का। भी मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं चाहती थी कि जब मैं आपको ये न्यूज़ सुनाऊं तो उसमें ढोल धमाके हों। और मेरा ख्याल है कि अगली वीडियो में आपको बताऊँगी मैं कि किन किन के मुँह जो है वो जो लुक के साथ काले हो रहे, जैसे कि इन्होंने लुक कटी की हुई थी, वो लुक मेरा ख्याल है कि ये अपने मुंह पे खुद ही मल ले। लुक यानी कि जो सड़कों पे रोड्स बनाने के लिए ब्लैक कलर की यूज़ होती है ना, उसके लिए। तो नाज़रीन, इनके मुंह खुद से काले हो गए हैं, हमारे मुखालफीन के मुलजिम ज़हीर के, उसको फिर से मुँह की खानी पड़ी है। और ज़ारा कासमी जो है उसने अपने वालदैन के हक़ में बयान दिया है कि वो अपने वालदैन के साथ जाना चाहती है, और उसको इजाज़त दे दी गई है कि वो अपने वालदैन के साथ ही जाए। तो इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आपको मज़ीद तफ़सीलात सुनाऊंगी, और एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी दुआएं रंग लेके आई हैं, जो आपने मेहंदी अली कासमी के लिए की थी, साइमा भाभी के लिए की थी, और ज़ारा कासमी के लिए की थी। एक दफ़ा फिर हो जाए ढोल। इजाजत दीजिए, मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।